Hi guys, welcome to the session. Good afternoon everybody. How are you guys? Am I visible and audible to everybody? Guys, am I visible to you? Am I audible? How are you guys? Can you see me and can you hear me? Hi Palak, hi Sachi, hi Kabila Shri, hi Lavanya, hi everybody. Kon kon aa gaya hai? Hi Bhavesh. Guys, I'm not visible. Guys, come on, tell me if I'm visible and audible to everybody. Guys, I still cannot read your comments, so I'm just waiting. Hi, smart study. Guys, visible and audible, please write in the comments. Chalo, now I can see your comments. I really hope that everybody has joined the class. And I'm so sorry about yesterday's mentee. There was some technical fault due to which क्लास स्टार्टेड 15 मिनट्स लेट और उसके बाद लेट 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 नेक्स्ट क्लास लेट हो जाती है इसीलिए आई हैड टू एंड द मेंटी. ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर का डिस्कशन टुडे. कल वाले क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में सीखा था गाइस, तो आज वाले क्लास में भी हमारा मेन फोकस होगा टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. फिर हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं एंड फाइनली वी आर गोइंग टू एंड द क्लास बाय स्टडिंग द इमेज फॉर्मेशंस बाय द स्फेरिकल मिरर्स. इज दैट ओके गाइस? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एंड एट द एंड हम लोग जो कल वाला मेंटी रह गया था उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, चलो देखते हैं. मनन सर, इट्स ओके, वी नो वी हैव टाइम लिमिट्स. सो गाइज, हाई कनिका, हाय सरिता, वसुधा, रितिका, राम राम मैम जी, राम राम बेटा जी. हाय मैम, आई एम कशिश. हाय कशिश, हाय ज्योति मैम, हाय. चलो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. गाइज, दोज ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग विद मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, गाइज, आई एम सोनाक्षी कौशिक एंड आई एम गोइंग टू बी योर केमिस्ट्री मेंटोर. ठीक है, एंड आई हैव डन माई BSc ऑनर्स केमिस्ट्री फ्रॉम मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर. एंड आई हैव मेंटोर्ड ओवर 5,000 स्टूडेंट्स एंड आई हैव डन एडिटिंग ऑफ केमिस्ट्री बुक्स फॉर क्लासेस 6th to 12th. ओके गाइज, हाय मेरे क्यूटी पाई मैम, सोना मैम, राजलक्ष्मी, हाय राजलक्ष्मी मैम, आई एम नॉट इन लाइट टू. कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ से भी कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा. ऑल्सो गाइज, माई कोड इज Sona10 एंड आई होप यू गाइज रिमेंबर माई कोड सॉन्ग विच इज सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा कोड. यस गाइज, पर इसके आगे मैं नहीं गाने वाली. सुन जरा सुन क्या कहती है. राइट गाइज, मैम स्लीपी फेस. ओ आई एम सो सॉरी बेटा, आई हैव अ स्लीपी फेस टुडे बिकॉज आई हैव बीन अप ऑल नाइट, आई हैव बीन वर्किंग ऑन सम थिंग्स, आई हैव बीन वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशंस, सो आई विल स्लीप आफ्टर डूइंग माय लाइव सेशन. ओके गाइज, आई एम सो सॉरी अबाउट द स्लीपी फेस तोशी, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू फाइंड दिस क्लास स्लीपी. आई एम गोइंग टू मेक इट सुपर इंटरेस्टिंग गाइज. ओके मैम, इज देयर मेंटी क्विज? यस बेटा, मेंटी क्विज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्लास के एंड में. मैम आई एम न्यू स्टूडेंट, माई नेम इज अक्षिता गोयल. हाय अक्षिता गोयल, यस बेटा मेंटी भी है. हाय श्रुति, हाय एवरीबडी. यस मैम, डू यू रिमेंबर मी? ऑफकोर्स तोशी, ऑफकोर्स आई रिमेंबर यू. यस गाइज, दीवाने दिल की धड़कन. सो एम आई योर एजुकेटर नंबर वन और नॉट? कम ऑन गाइज, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो गाइज, अन अकेडमी हैज दिस अमेजिंग फीचर विच इज AAD. इसमें क्या होता है, यू गाइज कैन आस्क योर क्वेरीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड साइंस, बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर. ठीक है, हाई ऋषिकेश, यू आर ऑल्सो न्यू स्मार्ट स्टडी? येस शबाना, नो आई डोंट रिमेंबर यू. सोना मैम, आप बोले थे कल कि आज आप पूरे क्लास में सिर्फ मेंटी. ये तुम लोगों ने बोला था, मैंने नहीं बोला था, मैंने कहा था कि हम मेंटी कंटिन्यू करेंगे. गाइस डोंट मैनिपुलेट थिंग्स. मानसी, यू रिमेंबर मी? ओह थैंक यू सो मच बेटा. मैम आई लाइक मैथ्स. ऑसम जश्ना बेटा, ऑल ऑसम. नहीं बेटा नहीं, राजलक्ष्मी मैंने कहा था कल वाला मेंटी कंटिन्यू करेंगे. हाँ, इस चैप्टर का मेगा मेंटी भी करेंगे, लेकिन जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे. ठीक है,
चलो अभी आगे देखते हैं गाइस, आप अपनी आज का क्वेरी, आज का डाउट कैसे पूछ सकते हैं। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप ओपन करेंगे तो यू विल सी येलो कलर का क्वेश्चन मार्क, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। मैम यू आर ग्रेट, ओह थैंक यू काबिला श्री, हाय हिमांशी वर्मा, यू लाइक साइंस, ऑसम बेटा, वेरी गुड गाइज। जस्ट अभी वेट करो, दो मिनट कमेंट्स नहीं रीड कर पाऊंगी मैं, आई एम टेलिंग यू समथिंग, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुन लीजिए। यस गाइज, सो गाइज देखो, आज का डाउट कैसे पूछना, आज का डाउट क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो, उसके बाद यू जस्ट हैव टू टेक द पिक्चर, अपने फ़ोन से पिक्चर क्लिक करो या गैलरी से सिलेक्ट करो या स्क्रीन शॉट लेके उसको क्लिक कर लो, एंड देन यू हैव टू हाईलाइट द क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी है इन अ बॉक्स। उसके बाद गाइज मैम व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइक्स अभी डिसाइड करते हैं, तोशी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो गाइज हाउ मेनी लाइक्स, आई कैन सी 29 पीपल वॉचिंग एंड ओनली 16 लाइक्स, ओ एम जी वाई इज दैट, सो गाइज आर यू नॉट लाइकिंग द सेशन। सो गाइज एक बार बॉक्स में डालने के बाद यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होने वाला है, एंड फाइनली यू गाइज यू आर गोइंग टू सबमिट इट एंड यू आर गोइंग टू रिसीव इट्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। ओके गाइज, ठीक है। सोना मैम देखो आप तो फिर से वही सेम पढ़ाने वाले हो बेटा, तो अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने राज लक्ष्मी सही जवाब दिया तो आप पहले मेंटी कर लेना, ठीक है। मैम 18 लाइक्स डन, बेटा दिस टॉपिक इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो आई हैव टू रिपीट दिस बिकॉज कल सबको समझ में नहीं आया था बिकॉज वी हैड डन इट इन टू मच हरी, राइट। सो कितने बच्चों को प्रॉब्लम है, मैम यू आर लुकिंग गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम, यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक यू मानसी, राज लक्ष्मी ग्रेट। चलो गाइज अभी देखो, फीनिक्स 2.0 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द न्यू एजुकेटर्स। तो अगर आप किसी ऐसे एजुकेटर को जानते हैं जिसने हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, राइट, सो यू गाइज कैन लेट देम नो कि दे कैन फिल आउट द फॉर्म्स ऑफ फीनिक्स 2.0 एंड जॉइन द अनअकैडमी ऐप। ओके गाइज, मैम प्लीज टेक माय नेम नंदिनी, हाय नंदिनी, मैम आई हैव प्रॉब्लम्स इन लाइट चैप्टर। यस बेटा आई नो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन लाइट चैप्टर, दैट इज वाई वी आर डूइंग इट इन वेरी डिटेल। हर टॉपिक हम इतना डिटेल में करेंगे गाइज कि आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ये चैप्टर बन जाए इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट गाइज। तो बीच में कोई भी मेंटी मेंटी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि गाइज मेंटी तो हम करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे, बहुत मज़ेदार मेंटी होगा, बॉयज वर्सेज गर्ल्स, एंड गाइज मेडल भी मिलेगा विनिंग टीम को। सो बी केयरफुल गर्ल्स एंड बॉयज, लिसन टू दी क्लास वेरी केयरफुली, सारे टॉपिक्स में से ही मैंने मेंटी बनाया है, ठीक है गाइज। हाय ऋषि मैम, आई कांट इवन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। काबिला श्री कोई बात नहीं, दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, आई नो डिफिकल्ट है, फर्स्ट टाइम में समझ आ जाए इतना ईजी नहीं है, कोई बात नहीं। शबाना वी आर गोइंग टू इग्नोर द डिसलाइक्स, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द लाइक्स, राइट गाइज, लाइक्स देखो ना कितने सारे। तो गाइज चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। हाय रागनी, हाय पल्लवी, चलो गाइज लाइक टारगेट डिसाइड करते हैं। गाइज लाइक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लेवल के लाइक्स में हम 50 लाइक्स करने वाले हैं, एंड सेकेंड लेवल के लाइक में वी हैव टू अचीव 100 लाइक्स का टारगेट, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी, 100 प्लस जितने मर्जी लाइक्स करो, बट फर्स्ट लेवल ऑफ लाइक्स इज 50 लाइक्स, सेकेंड लेवल ऑफ लाइक्स इज 100 लाइक्स, इज दैट ओके गाइज। हाँ जी भावेश, आई रिमेम्बर यू, मैम मैंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा, कोई बात नहीं पल्लवी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स वंस अगेन, सो यू नीड नॉट वरी, ठीक है गाइज। हाय प्रांजुल, मैम जो आप कोड देते हो मेंटी के लिए वो किस में डालना पड़ता है? अक्षिता गोयल बेटा, menti.com एक प्लेटफॉर्म है क्विज का, ठीक है, गूगल पे जाके menti.com सर्च करोगे तो वहाँ आपको डालना होगा, ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चों को बेटा इस चैप्टर में डाउट है, इसीलिए आई हैव टू टेक इट वंस अगेन, इस चैप्टर के बेटा मैंने इतने सारे पार्ट्स करे ही इसीलिए, बिकॉज आई नो इट्स क्वाइट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड दिस, राइट बेटा, सो एवरी वन इज गोइंग टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, राइट। ओके बच्चा लोग चलो आ जाओ, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट। गाइज अभी बातें बंद करते हैं, ठीक है गाइज। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे पहली बात है लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट।
आगे देखते हैं। और लाइट बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में जो लाइट ट्रेवल करती है इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। व्हाट डू वी कॉल दिस गाइस? वी कॉल दिस एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इज दैट ओके गाइस? तो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट जो पाथ होता है लाइट का, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नाउ गाइस अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये सिंपल टॉपिक्स हैं, इनको हम जल्दी से कवर करेंगे। मेन फोकस हम मैम सोना मैम आप तो मैजिक जानते हो बिकॉज पार्ट टू को छोड़, हाँ ये तो मुझे मालूम है राजलक्ष्मी, हमने पहले पार्ट थ्री कर लिया उसके बाद पार्ट टू आ रहे हैं। लेकिन गाइस वो सिर्फ नाम में प्रॉब्लम था, कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके राजलक्ष्मी, चलो अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। गाइज आप लोगों ने कैरम खेला है, कैरम में जब स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हो और कैरम सामने जो बोर्ड का कोना होता है उससे टकराता है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन बाउंस हो जाती है, राइट? दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अभी जब ये सेम प्रोसेस लाइट के साथ हो रहा है, लाइट ये फॉल हुई ऑन द मिरर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ मिरर इसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। सो दिस इज नोन एज गाइज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो गाइज व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बेटा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या फिर चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। ओके हाय कनक, मिस्टीरियस फिजिक्स आपका नाम कनक है। हाय अनिकेत, सारा, एवरीबॉडी। सो गाइज आई कैन सी 33 पीपल वॉचिंग एंड ओनली 30 लाइक्स, व्हाट इज दिस? जनता वॉन्ट्स टू नो गाइज। अभी गाइज रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ मिरर के थ्रू नहीं होता, कोई भी पॉलिश सरफेस होता है तो उसके थ्रू रिफ्लेक्शन होता है कई बार। अच्छा कशिश नाम है, कनक नहीं है, ओके मिस्टीरियस फिजिक्स। हाय कुशल आदित्य, गुरु पत्रु 4A, आपका पूरा नाम बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट इज सो कूल। हाय प्रिया कुमारी, हाय श्रुति, हाय प्रज्ञेश, एवरीबॉडी हाय हेलो। सो गाइज रिफ्लेक्शन सारे पॉलिश सरफेस के थ्रू होता है। जब भी टीवी बंद होता है टीवी की स्क्रीन में अपना चेहरा दिखता है, राइट? कभी मार्केट में घूमने जा रहे हो, रोड पे कोई बिल्डिंग है जिसकी पॉलिश सरफेस है वहाँ पर आपको अपना फेस दिखता है, ऐसे बाल ठीक करते हो उसमें देख करके, राइट गाइज? दैट्स वॉट यू डू। आई एम ग्रेट प्रज्ञेश, हाय शिव, हाय बेटा, हाय सरिता, एवरीबॉडी। गाइज जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है गो अहेड हिट द लाइक बटन, वी हैव टू अचीव फर्स्ट लेवल का लाइक। हाँ जी काबिला श्री, वाई विल आई फॉरगेट यू, आई रिमेम्बर यू, ओके गाइज ओके, यस अभी आपने मुझे अपना नाम बता दिया है सो आई विल ट्राई टू रिमेम्बर इट। कशिश ओके, राइट मैम, यस प्रांजुल, ऐसे ऐसे सब बाल ठीक करते हैं ना, ऐसे जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखते हैं इवन जो प्लेट होती है स्टील की उसमें भी अपना शक्ल दिखती है, राइट? सो गाइज वो क्या है, वो भी हमारा रिफ्लेक्शन है। इवन वाटर बॉडीज में भी रिफ्लेक्शन दिखता है एज यू कैन सी इन दिस इमेज। ओके गाइज आपने लाइक कर दिया, वेरी गुड गाइज। सो 40 पीपल आर वॉचिंग एंड ओनली 35 लाइक्स, दिस इज बैड। अभी गाइज मैम मैंने पहले लाइक कर दिया, क्या बात है प्रांजुल। अभी गाइज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाए करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दैट ओके गाइज? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो गिव मी अ थम्स अप गाइज। मैम सोना कितना सोना है, सोने जैसा मैम का नेम, सुंदर सुन के पढ़ाती है डाउट चैप्टर की धड़कन। देखो तुमने गाना लिखा, मैंने गा दिया राजलक्ष्मी, ठीक है? मैम आप मेरा नाम भूल जाते हो, आई वॉन्ट टू नो। कमलेश रानी, यस मैं भूल गई हूँ, एक बार फिर से बता दो। प्रांजुल आई एम फैबुलस, चलो सबको यहाँ तक समझ में आ गया, ग्रेट गाइज। जो रे, अभी आगे चलते हैं, चलो अभी देखो प्लेन मिरर में सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब जो शीशा हमारे घरों में लगा होता है दैट इज अ प्लेन मिरर, उसमें जब हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो सेम साइज का होता है एंड इट इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर जितना उसका ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है? हाय थम्स अप नहीं मैम, वाटरमेलन, यस सारा, हा हा हा, इतना सारा हा हा हा, चलो ग्रेट गाइज। मैम मैं भी हूँ, आप मुझे भूल गई हैं क्या? हिमांशु ऋषि, नहीं नहीं ऋषि मुझे याद हो, बिल्कुल याद हो, ध्यान से सुनते रहो बिकॉज मेंटी में इसी में से टॉपिक्स आएंगे और ये चैप्टर का बेस है बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का चैप्टर इजीली समझ में आएगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं गाइस।
अभी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हमने देख लिया, अभी हम देखना है गाइस देयर आर, तो मैम कैसी हैं आप? मैम जी, बेटा जी, आई एम वेरी गुड, आई होप यू आर ऑल्सो ग्रेट। अनिमेश सिंह, हेलो बेटा। सो गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, फर्स्ट वन इज द रियल इमेज एंड द अदर वन इज द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इज दैट ओके गाइज? मैम मुझे भी भूल गए शबाना। नो बेटा, मैं किसी को नहीं भूली हूँ, ठीक है। सो गाइज देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मैम माई नेम इज कनक। ओके बेटा, ओके, योर बिगेस्ट फैन, हैप्पीनेस यू आर। ओ थैंक यू, थैंक यू बेटा। सुबह सुबह मैम को मस्का, यस गाइज, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अभी देखो, हाय, अच्छा आपका नाम अमान है, अमान या अरमान? अच्छा अरमान, ओ ओ ओके, अरमान आपका नाम है। यस यस प्रांजुल, थैंक्स फॉर टेकिंग माय साइड। मैम माय नेम इज उत्कर्ष। ओके बेटा, ओके ओके, आई डू, आई वाज जस्ट किडिंग बेटा, आई वॉज हैविंग फन। ओके सो गाइज, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है वो लोग लाइक कर देना वीडियो को। ओके सो गाइज, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 40 लाइक्स। ओके, फर्स्ट लेवल का लाइक होना बहुत, मैम आप मुझे कन्फर्म हो गया कि आप, OMG, नो बेटा। सो चलो आगे देते गाइज, इन केस यू हैवेंट ऑलरेडी डाउनलोडेड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम योर प्ले स्टोर, ठीक है। और बाय डाउनलोडिंग इट यू गाइज कैन वॉच योर, हाय शिव, मैम कर दिया, थैंक यू बेटा। सो गाइज, प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे आप लोग तो यू कैन वॉच स्पेशल क्लासेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन आस्क योर डाउट थ्रू AAD फीचर। ऑल्सो गाइज, यू कैन गेट टू फॉलो योर फेवरेट एजुकेटर्स, येस गाइज, यू कैन फॉलो योर फेवरेट एजुकेटर्स। नेक्स्ट गाइज, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स देखते हैं गाइज। इफ़ यू गो फॉर दी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन गेट टू लर्न फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, यू कैन गेट टू हैव लाइव इंटरैक्टिव क्लासेज, यू कैन हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, एंड ऑल्सो गाइज यू कैन हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs। ऑल्सो गाइज, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड SONA10, यू कैन अवेल और क्लेम योर 10% ऑफ ऑन ऑल दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। हेलो मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है, कल वाला मेंटी हो गया क्या? नहीं अभी नहीं, वो लास्ट में करेंगे बेटा, सिमरन लास्ट में करेंगे। मैम आप अरमान को अमन बोल रहे थे बेटा, हाँ गलती से बोल दिया था। यस गाइज, 8 मोर लाइक्स टू गो। यस, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा कोट। अभी गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स देखते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में गाइज आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन का सारा बेनिफिट। ऑल्सो गाइज, यू गेट टू हैव अ पर्सनल मेंटोर एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दीज आर द प्राइजेज ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन कंपेयर दीज प्राइजेज बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड, एंड दीज आर द प्राइजेज ऑफ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन। मैम आई यूज्ड योर कोड यस्टरडे, इज दैट सो? क्या लिया आपने मेरे कोड से बेटा? टर्शियरी प्लेयर्स, वेयर डिड यू यूज माई कोड? विदा तिवारी, आप सिया हो? विदा, आर यू सिया? मैम मेंटी हो गया क्या? नहीं राजलक्ष्मी, अभी होगा मेंटी। सो गाइज, डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज है, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का कोर्स आप लोग लेंगे उतना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ऑल्सो गाइज, यू कैन कंपेयर द प्राइजेज बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड। नाउ गाइज, इफ यू वॉन्ट टू हैव फ्री स्पेशल क्लासेज एंड फ्री टेस्ट सीरीज, यू कैन यूज माई कोड SONA10। ओके गाइज, चलो आगे चलते हैं गाइज। रियल इमेज का एग्जाम्पल कहाँ होता है? मैम इज देयर मेंटी? यस, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, मेंटी है गाइज, और लास्ट में विनिंग टीम को मिलेगा मेडल। सो आर वी एक्साइटेड गाइज? आर वी एक्साइटेड फॉर द मेंटी? ओके गाइज, आर वी एक्साइटेड फॉर द मेंटी? यस, चलो ग्रेट। मैम व्हाट इज योर नेम? बेटा माय नेम इज सोनाक्षी। यस गाइज, आई कैन नाउ रीड योर कमेंट्स, ठीक है। वो मेंटी बेटा एक कोड होता है,
मैम आइकॉनिक के लिए मैंने 6 मंथ्स का 8th का लिया है। ओ थैंक यू टर्शियस प्लेयर, आपका नाम क्या है बेटा? थैंक यू सो मच बेटा, आपने मेरा कोड यूज़ किया फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, थैंक यू सो मच मैम। प्लीज़ कंटिन्यू। यस बेटा वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग, पर बेटा स्पैम मत करो, बार बार एक मैसेज मत करो, आई कैन रीड इन वन मैसेज ऑल्सो, ठीक है? हाय रिया विशाल मेंटी लास्ट में करेंगे। गाइज रियल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जब भी हम पिक्चर देखने जाते हैं तो पीछे आपने देखा है प्रोजेक्टर से लाइट आ रही होती है, देखा है किस किस ने देखा है सिनेमा हॉल में बैक साइड प्रोजेक्टर से लाइट आती है और वो कहाँ पे चलती है, सामने स्क्रीन पर। सो गाइज दैट इज वॉट, दैट इज अ रियल इमेज, इज दैट क्लियर? हाय अनु, गाइज इज दैट क्लियर, रियल इमेज का एग्जाम्पल? यस। चलो आगे देखते हैं वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल। गाइज प्लेन मिरर में जो रोज हमारे रूम में शीशा होता है, मैम प्यारा डॉगू कहाँ है? देखो फिर याद कर लिया डॉगू को, फिर डॉगू आगे क्लास डिस्टर्ब करेगा हमारी। यस हाय शबाना, मैम टर्शरी प्लेयर्स स्टॉप स्पैमिंग। हाँ वही तो, एक बार में मुझे दिखता है बेटा। मैम अभिमन्यु नाम है मेरा। ओके बेटा थैंक यू अभिमन्यु। सोना मैम फुल, अरे वाह प्रांजुल थैंक यू, थैंक यू प्रज्ञेश। ऑल्सो गाइज जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है बेटा? चलो अभी देखते हैं गाइज ये सारे टर्म्स में, किसी को भी प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो, आई विल रिपीट इट। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, स्क्रीन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। गाइज इन सभी में से ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। हेलो मैम हाउ आर यू, युगांशी आई एम फैबुलस, हाय ऋषिकेश। यस मैम आज आपको डॉगू को दिखाना ही होगा। बेटा मैं डॉगू को घर के अंदर नहीं ला सकती हूँ। हाँ जी बताओ किस टर्म में प्रॉब्लम है, इंसिडेंट रे में? हाय राइजिंग स्टार प्रेम, मैम वंस अगेन एक्सप्लेन रियल इमेज। बेटा रियल इमेज वो इमेज होती है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको हम रियल इमेज कहते हैं। एंड इंसिडेंट रे वो रे होती है विच स्ट्राइक्स द पॉलिश सरफेस, ठीक है? अगर ये रे फॉल हो रही है हमारे मिरर के ऊपर, सो इट इज़ नोन एज द इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चा लोग? अभी क्लियर है? क्योंकि अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं गाइस तभी आप लोग इमेज फॉर्मेशन को समझ पाओगे। हाँ बिल्कुल शबाना, मुझे डॉगों के चक्कर में मुझे रोड पे जाना पड़ेगा, तुम लोग यही चाहते हो क्या? नॉर्मल। अच्छा देखो ये हमारा पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक करा और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर इस पॉइंट पर बेटा हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस इज नोन एज नॉर्मल, ठीक है? दिस इज नोन एज नॉर्मल मैम ऑल ऑफ देम। अरे राजलक्ष्मी ऐसा कैसे हो सकता है, अभी आप कह रहे थे पहले मैम मेंटी मेंटी, अगर आपको यही टर्म्स नहीं आएंगे तो मेंटी में क्या करोगे, हार जाओगे, ठीक है? वर्चुअल इमेज को बेटा हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? द इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज, एंड द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। रॉड्स एंड कॉन्स को बेटा हम आई जब करेंगे, ह्यूमन आई तब करेंगे। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड स्क्रीन। बेटा एक जैसे थिएटर्स में सामने एक स्क्रीन है, दैट इज नोन एज स्क्रीन, जिसके ऊपर हम इमेज को उतार सकते हैं, ठीक है गाइज? आई होप इट इज क्लियर मैम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाए करते हैं। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तोशी एंड काबिला श्री एंड शबाना, हाँ जी बेटा ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इफ इट इज क्लियर देन वी विल मूव अहेड टू इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग करेंगे। यस गाइस ठीक है मैम, 53 लाइक्स, क्या बात है गाइस, 53 लाइक्स हो गए हमारे, ऑसम ब्लॉसम। चलो आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, मतलब सीधी इमेज होती है, ठीक है? दूसरा उसका साइज सेम होता है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ गाइस इट हैज द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। सॉरी सोना मैम माफ करना, मैं क्या कहूँ, आपने इस चैप्टर में हर एक क्लास आधा सा, क्यों बेटा राजलक्ष्मी
अभी क्या करना, आज का क्लास एंड होने के बाद मैम मूवी देखेंगी, हॉलीवुड वाला। हाँ देखना, ऋषि देखना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सारा। सो गाइस, मैंने अभी आपको क्या बताया, राजलक्ष्मी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, इस वाले क्लास के एंड होने के बाद स्टार्टिंग से देखना, ठीक है? ओके गाइस, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो गाइस, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्स्ड, मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। हाय दिव्यांशु, रंजन, आज तो इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं है, हर क्लास में एक एक्सक्यूज। यस बेटा, ओके। टर्शरी प्लेयर्स, थैंक यू बेटा। हाँ बहुत ज़रूरी है, एट्थ में भी लाइट आएगा तो सेवन्थ वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। मैम साइंस आपसे डरता है? बेटा साइंस मुझसे डरता नहीं है, साइंस ने तो मुझसे फ्रेंडशिप करी हुई है, ठीक है। हाय सुमन, हाँ बेटा पोकीमॉन होगा, मेंटी होगा। चलो अभी स्फेरिकल मिरर्स करते हैं गाइस। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हमें करने हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को देखो। जब कर्व्ड सरफेस है मिरर का और बाहर वाली साइड में पॉलिश लगा हुआ है एंड रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर वाले साइड से, सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव मिरर। वेयर एज दूसरा टाइप का मिरर जिसके अंदर पॉलिश जो हो रखी है वो अंदर वाली साइड हो रखी है, पॉलिश ही अंदर वाली साइड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये बल्जिंग आउटवर्ड बाहर वाला। वाय सरिता त्रिपाठी, आप बाथरूम में क्यों पढ़ रहे हो, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है सरिता। सो गाइस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बल्जिंग आउटवर्ड वाला है, और जब भी रिफ्लेक्शन ये बाहर वाले सरफेस से हो रहा है तो सच टाइप ऑफ अ मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। इज दैट ओके गाइस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज क्लियर टू यू गाइस? सो गाइज, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज इट क्लियर टू एवरीबडी गाइज? इज इट क्लियर? सो सॉरी ऋषि। अच्छा देखो, ये मिरर ऐसा है कर्व्ड, तो जब भी रिफ्लेक्शन अंदर वाली साइड से हो रहा है उसको हमने कहा कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन यहाँ बाहर वाली साइड से होगा तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अभी क्लियर है काबिला श्री, एवरीबॉडी, और पल्लवी, पल्लवी और यस ओके गाइस, कॉन्वेक्स मिरर अभी समझ में आ गया। मुकुल कुमार, मैम इन लास्ट क्लास आई गॉट फोर्थ पोजीशन एंड आपने कहा कि मनन सर कि क्लास चल रही है सोलिया। हाँ जी तोशी, यही हुआ था इसीलिए हम आज करेंगे बाकी का। ओके सरिता त्रिपाठी, चलो स्फेरिकल मिरर में गाइस, कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज मतलब सबको मिला करके एक पॉइंट पे ले आना, कन्वर्ज मतलब सबकी डायरेक्शन को एक पॉइंट पे मिला देना। तो गाइस कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जितनी भी रेज ऑफ लाइट होती हैं सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है, सब एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, इसीलिए गाइस हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब एक पॉइंट से सबको अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर देना। तो देखो रेज ऑफ लाइट जब भी आती है तो ये सबको अलग डायरेक्शन में भेज देता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, मैम जिस बॉय ने स्पून लिया है वो कितना चंदू है, समझ में नहीं आया बेटा। मैम मेंटी कोड सारा, यस बेटा वी आर गोइंग टू डू मेंटी, जस्ट वेट अभी, थैंक यू बेटा। सो गाइस कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। काबिला श्री यू आर टेकिंग नोट्स, वेरी गुड। ओके गाइस चलो आगे देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो गाइस कॉनकेव मिरर को देखो, मिरर ना ऐसा दिखता है कर्व मिरर, उसको हम एक स्टैंड पे रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने लिया है कैंडल और ये हमारा एक स्क्रीन है, पेपर की हो सकती है ये स्क्रीन गाइस। यस गाइस, ओके मैम 58 लाइक्स आर डन, फैबुलस गाइस, कैन वी अचीव, हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ लाइक्स डन है गाइस। अभी हमें फोकस करना है सेकंड लेवल ऑफ लाइक पे एंड वी हैव टू अचीव एनी हाउ 100 लाइक्स। सो गाइस कैन वी मेक इट 100 लाइक्स, कम ऑन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यस गाइस ओके चलो,
स्क्रीन है, कैंडल है, एक मिरर है, मिरर का एक स्टैंड है। मैम 60 लाइक्स, क्या बात है गाइस, 40 मोर लाइक्स टू गो। अभी देखो गाइस कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। कॉनकेव मिरर में गाइस क्या होता है, कॉनकेव मिरर में देखो यहाँ हमने मिरर रखा है। ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट इज विजिबल टू यू। लेट मी डू इट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखो ये हमने रखा है यहाँ पे मिरर, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे हमने रखा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल। एंड ये हमारी स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन। और इसके ऊपर आप देख रहे हो कैसे इमेज फॉर्म होती है। अभी देखो असली में इमेज गाइस फ्लेम ऐसी है, लेकिन इसकी इमेज कैसी बनी है, यू इन्वर्टेड। तो सो कैसी इमेज फॉर्म हुई है, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। ओके गाइस, तो गाइस कॉनकेव मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो किस पे डिपेंड करती है, कि हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे। अगर बहुत दूर है तो गाइस मैम 62 वॉचिंग एंड 42 क्या हुआ दिव्यांशु, आई डोंट गेट इट आपका कमेंट। सो गाइस 63 लाइक्स हो चुके हैं, ऑसम। सो लेट्स होप वी कैन मेक 100 लाइक्स, ठीक है। सो गाइस अभी हम कैंडल को मिरर के थोड़ा पास लेकर के आएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। कैंडल जैसे जैसे मिरर के पास आएगी इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो गाइस जैसे अभी जो दो केसेस हमने पढ़े, पहला वेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे, फिर धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं। फिर एक केस होगा जब हम मिरर के बहुत पास में रख देंगे कैंडल को, इस केस में बेटा वर्चुअल इमेज मिलेगी हमें। कौन सी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज। और इन दोनों में कैसी इमेज मिली थी हमें, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है गाइस। सो यू हैव टू रिमेंबर टू केसेस, एक में जब ऑब्जेक्ट जो है कैंडल से दूर है उस केस में रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। एंड जब भी कैंडल बहुत पास रखी जाएगी मिरर के तब हमें वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। ओके गाइस इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। मैम टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक ज्वाइनिंग लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इज दैट मैम ढोलक बज रहा है, हाँ बज रहा था, कुछ बाहर से जा रहा था, सो सॉरी अभी चला गया। मानसी यू आर बैक, ग्रेट। सो गाइज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इज क्लियर टू एवरीबडी, गाइज इज इट क्लियर टू एवरीबडी, क्लियर है कॉनकेव मिरर, ऑसम बच्चा लोग, ऑसम। जल्दी से बता दो, गिव मी योर थम्स अप इन दी कमेंट सेक्शन। और कोई भी वो गंदा वाला जोक मत मारना कि मैम आज थम्स अप नहीं है, चाय और पेप्सी और कोका कोला चलेगी। मैम वेयर डू यू लिव, इन दिल्ली, नहीं मालूम सरिता मुझे। हेलो फ्रेंड सैनिटाइजर पी लो दिव्यांशु, ऐसी बातें कौन करता है भाई, सैनिटाइजर कौन पीता है, गाइज इनकी बातों में मत आना, दिस इज पॉइजन स्टफ, ठीक है। चलो ग्रेट, सबको समझ में आ गया, अभी चलते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर पे। गाइज कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, लेट्स चेक इट आउट। पहले पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये येलो कलर बिल्कुल नजर नहीं आएगा आपको। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक कर देते हैं इसको, है ना। मैम सबके नेम 5 करोड़ टाइम बोल दो, क्यों भाई, फिर तुम मेंटी नहीं होगा, फिर तुम फिर को बोलोगे मैम मेंटी नहीं हुआ। यस सारा अमेजिंग गाइज, हमारे पास 67 लाइक्स आ चुके हैं गाइज, 67 लाइक्स, फैबुलस। वी हैव टू मेक इट 100 लाइक्स गाइज, ठीक है। हाय छवि, चलो अभी देखो गाइज कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉनकेव मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर, सर्च लाइट्स में यूज होता है, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में यूज होता है, टेलीस्कोप्स में यूज होता है, एंड सोलर कुकर्स में यूज होता है, ठीक है। अभी चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। गाइस कॉनकेव में दो केसेस थे, लेकिन कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस याद रखना है। कॉन्वेक्स में हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे, नो मैटर वेयर वी कीप द ऑब्जेक्ट, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसकी इमेज जो है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेगी। ओके गाइस, मैम लाइव क्लास 1 आवर के लिए होती है, यस पल्लवी। गाइज इज इट क्लियर टू एवरीबडी, सो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। गाइज कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज चलती है, बनती है। इज दैट इरेक्ट क्या होता है, सीधी इमेज। देखो
ये वाले केस में देखो फ्लेम कैसी है, काबिला श्री उल्टी है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड इमेज। अभी जब इमेज सीधी होगी तो दिस इज कॉल्ड एज एन इरेक्ट इमेज। काबिला श्री इज दैट क्लियर? अभी नहीं प्रांजुल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। काबिला श्री इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है अभी? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट गाइज। मैम छवि क्लास 7 सेक्शन ब्लू, 7th ब्लू में। यस इट इज क्लियर टू एवरीबडी। मैम मैं तो कल ही समझ गया था। ओके दिव्यांशु ऑसम। पर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, उनके लिए दोबारा करा है। व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज होता है? व्हीकल्स के हेडलाइट्स में कॉनकेव होता है और रियर व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स होता है। अभी देखो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? रियर व्यू मिरर की तरह यूज हो रहा है, बसेस के अंदर यूज हो रहा है, एंड शॉप्स में भी एंटी थेफ्ट मिरर की तरह यूज होता है। ठीक है। हाय उत्कर्ष, दिव्यांशु, माइंड योर लैंग्वेज। बस अब मेंटी स्टार्ट करेंगे बेटा, वी आर डन। दिस इज बॉयज वर्सेस गर्ल्स मेंटी कोड। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, कोड ज्वाइन ऐड कर लो, एंड आई विल ओपन द क्विज फॉर यू गाइस। गाइस आई एम ओपनिंग द क्विज फॉर यू। इट्स ओके दिव्यांशु, जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। एंड गाइस मेक इट 100 लाइक्स टुडे। वी हैव टू अचीव आवर लाइक टारगेट, राइट? आई एम प्रेजेंटिंग द क्विज गाइज। जैसे ही मेंटी वाला स्क्रीन दिखने लग जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? गाइज इज मेंटी स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? लेट मी शेयर द मेंटी कोड विद एवरी वन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। Join fast. Code is 3578 3578 4017. Guys, I am sharing the Menti code in our Telegram group. In case your friends have not joined yet, उनको भी मैसेज करके बता दो, so that we have maximum students in our Menti. सो गाइज आर वी रेडी? आई एम गिविंग यू गाइज 5 मिनट्स, जल्दी से कोड डाल के एंटर कर दो। एंड दोज ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग विद मी, अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, तो जल्दी से गाइज आप लोगों को क्या करना है? मैम टेलीग्राम पे आप पढ़ाते हो? नहीं बेटा, टेलीग्राम पे आई जस्ट शेयर द लिंक्स ऑफ आर क्लासेस। सो गाइज आज का क्विज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज वी नो दैट हाउ टू ज्वाइन मेंटी। मेंटी डॉट कॉम पे जाओ, ये वाला कोड डाल दो, एंड गाइज लेट मी नो वंस यू ज्वाइन द क्विज। सब ने ज्वाइन कर लिया है गाइज? क्विज ज्वाइन कर लिया है? क्या हुआ, नहीं ज्वाइन हो रहा? अभी स्टार्ट नहीं करा बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लो। जब सब लोग ज्वाइन कर लोगे तभी स्टार्ट करेंगे। लेट मी रिमूव द फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे ना जो भी पॉइंट्स पहले के होंगे वो हट जाएंगे और आज शुरू से शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस? गाइस आई एम प्रेजेंटिंग द कोड वंस अगेन। शबाना अभी स्टार्ट करा है मैंने। एवरीबडी ज्वाइन द क्विज फास्ट, और जिन्होंने अभी अभी सेशन ज्वाइन किया लाइक कर दो। गाइस 70 लाइक्स हो चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 70 लाइक्स। क्या बात है गाइस, 70 लाइक्स हो गए, सिर्फ 30 मोर लाइक्स टू गो। अरे काबिला श्री अभी स्टार्ट नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन करो गाइस। अभी नहीं स्टार्ट किया, डोंट वरी, आई एम गिविंग यू 2 मोर मिनट्स। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है फटाफट से ज्वाइन कर लो। आपका हैट है दिव्यांशु? अच्छा अच्छा ओके। आप सन ग्लासेस हो, स्टेप 1 गो टू गूगल, स्टेप 2 सर्च मेंटी, स्टेप 3 फिल द कोड। यस गाइस, गाइज आर वी रेडी? एवरी वन हैज ज्वाइंड द क्विज? गाइज एवरी वन हैज ज्वाइंड द क्विज नाउ? गाइज 72 लाइक्स हो गए हैं, जस्ट फ्यू मोर लाइक्स टू मेक इट 100 लाइक्स। आई होप वी कैन अचीव 100 लाइक्स।
वेरी गुड पल्लवी। गाइस एवरीबॉडी सबने ज्वाइन कर लिया कोड। गाइस जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है लाइक करो। 73 लाइक्स हुए हैं अभी तक बस, बट वी हैव टू मेक इट 100 लाइक्स, राइट? यस, वी हैव टू मेक इट 100 लाइक्स गाइस। कुछ नहीं, वेट करो, आई व्हेन आई ओपन द क्विज यू कैन आंसर इट बेटा पल्लवी। ओके गाइस, जस्ट वन मोर मिनट, जल्दी से ऐड करो। कुशल, यस, रिया, हाँ उसको हटा दिया मैंने। कशिश, सेवेंटी फाइव लाइक्स, वाओ गाइस, अभी भी थोड़े से लाइक्स बचे हैं, हमें 100 लाइक्स करने हैं, बाकी जा स्टार्ट करें। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। आई एम पोस्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स गाइस, बी रेडी। मैम कोड नहीं दिख रहा, 3578 4017। गाइस द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज डैश। सो गाइस जितने बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन करा है, सो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। हमारा लाइक टारगेट है आज का 100 लाइक्स अचीव करने हैं हमें, नो मैटर व्हाट। सो गाइस आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियोज फॉर यू, मेकिंग साइंस ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस गाइस, चलो जल्दी से आंसर कर दो। यस गाइस, द करेक्ट आंसर इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज दिस? दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सो लेट मी चेक द लीडर बोर्ड, कितने बच्चों ने सही दिया, कितने बच्चों का इजी पीजी लेवल स्क्वीजी गाजर का हलवा जल गया है। वाई अभिनंदु, व्हाट हैपन, वाई आरंट यू हैप्पी? आई टोल्ड यू टू बी हैप्पी। यस गाइज, सो फर्स्ट प्लेस पर टाई है, तीन लोग आए हैं फर्स्ट प्लेस पे। वी हैव अविनाश, परम एंड समी। सो गाइज बॉयज आर लीडिंग दिस टाइम, गर्ल्स अगर जीतना है तो थोड़ा फास्ट आंसर करो। यस यस कमलेश, यस। नेक्स्ट वी हैव शबाना, सिम्बा, अविरल, उत्कर्ष, पाकिजा, रैबिट एंड कशिश। ग्रेट गाइज, यू आर डूइंग फैबुलस। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड जितने बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं गाइज, लाइक कर दो, बिकॉज हमें 100 लाइक्स का टारगेट अचीव करना है टुडे। वी हैव गॉट ओनली 75 लाइक्स गाइज, व्हाट इज दिस? जनता वॉन्ट्स टू नो। बाय दिव्यांशु, फास्टेस्ट आंसर करो। यस अविरल, थर्ड प्लेस पे हो, ट्राई करते रहो। बॉयज जीतेंगे या गर्ल्स? गर्ल्स जीतना है तो फास्टेस्ट आंसर करो। शबाना, गृहश्री, एवरीबॉडी, काबिला श्री, हाँ सही जवाब दिया है काबिला श्री ने, पर फास्टेस्ट दिया है या नहीं उस पे डिपेंड करेंगे मार्क्स। यस सही है काबिला श्री, सी ही आंसर। यस शबाना, सो गाइज लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड। गाइज प्लेन मिरर में होता है ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है। ये देखो मेरे अन अकेडमी के टी शर्ट पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, वाई? बिकॉज लेटरल इन्वर्जन है यहाँ पर भी, है ना मैम? आई एम रैबिट। ओके सिमरन, सो गाइज गर्ल्स आर लीडिंग, फर्स्ट प्लेस पे है शबाना, सेकेंड उत्कर्ष, अविरल, अनुज, आदित्य, श्रेया, नंदिनी, जश्ना, आर्या एंड द्विज गोंडलिया, डीजे स्टूडियो बॉयज। क्या नाम है, बिल्कुल मुझे गुजराती वाली फीलिंग आ गई, गुजराती केम छो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। काबिला श्री 15th प्लेस, थोड़ा जल्दी आंसर करो, गर्ल्स को जिताना है कि हराना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है बच्चा लोग? सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा कोट, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। यस गाइस, सो एम आई योर एजुकेटर नंबर वन और नॉट? डू यू लाइक मी गाइस?
अगर आपको सेशन में अच्छा लग रहा है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं बच्चा लोग, तो लाइक करके जाना, 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा के जाना। यस गाइस, हाँ करेक्ट आंसर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड। वर्चुअल एंड इरेक्ट अविरल, देखो फिर वही गलती करी अविरल। जो प्लेन मिरर होता है उसमें कभी अपने आप को उल्टा देखा है क्या? उसमें सीधा ही दिखता है ना, तो इन्वर्टेड क्यों होगी? जनता वांट्स टू नो गाइस, प्लेन मिरर में अपनी शक्ल उल्टी दिखती है कभी? मैम मेंटी पे क्वेश्चन कितने टाइम के लिए आता है? 30 सेकंड्स के लिए आता है। कमलेश रानी, यस गाइस। सो फर्स्ट प्लेस पे है अविरल, श्रेया अनुज, नंदिनी, जशना, उत्कर्ष, द्विज, गोंडालिया, डीजे स्टूडियो बॉयज, आदित्य, काबिला, श्री। वाव काबिला श्री, यू आर फाइनली ऑन द लीडर बोर्ड। देन भावेश, गाइस ऑसम यू आर डूइंग। गाइस लाइक 77 हो गए हैं, हमें 100 लाइक्स करने हैं। अविरल अप्रैल फूल बनाया मुझे, गलत आंसर बोल करके सही आंसर किया। यू आर एट टॉप, सो बॉयज टीम इज लीडिंग। बॉयज यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज? रियल इमेज किस में बनती है? कॉनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में? जल्दी से बता दो बच्चा लोग। नहीं काबिलश्री, ध्यान से नहीं सुना था। अरे पूछा है रियल इमेज किस में बनती है। OMG, इतना कंफ्यूजन, यानी कि मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा ये वाला टॉपिक। तब तक पढ़ाती रहूंगी पढ़ाती रहूंगी पढ़ाती रहूंगी जब तक तुम लोग सब लोग सही आंसर नहीं करते। ये वर्ल्ड्स इजीएस्ट क्वेश्चन लग रहा है ना अब, है ना अविरल? पहले कितना मुश्किल लगता था क्योंकि आपने क्लास में कल ध्यान से सुना था। तो जितने भी बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है, ये गलत हुआ है। कितने लोगों का गलत हुआ है देखो, 1923 लोगों ने गलत किया है। गाइस मैम हाउ डू यू नो आई एम गुजराती? तुम्हारे नाम से पता लग रहा है, देखो उसमें कितनी गरबा वाली फील आ रही है। आई एम जस्ट किडिंग बेटा, नो ऑफेंस, है ना, बुरा तो नहीं लगा आपको, बट आई रियली लाइक योर नेम। मुझे पूरा नेम प्रोनाउंस करने में ही अच्छा लग रहा है। मैम लेंस वाला पार्ट कब होगा? शाम को 6 बजे। गाइस लेंस वाला पार्ट शाम को 6 बजे आ जाना, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे अविरल, बॉयज आर लीडिंग, देन अनुज, श्रेया, कुशल, उत्कर्ष, भावेश, आर्या, नंदिनी, समी एंड शबाना। ग्रेट गाइज, मैम आई एम डीजे स्टूडियोज। ओके बेटा ऑसम, केम छो, यू आर गुजराती सो आई विल आस्क यू, केम छो बेटा? सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो अभी इतने सारे बच्चों ने और ज्वाइन किया है पर किसी ने भी और लाइक नहीं किया है। वी हैव जस्ट गॉट 79 लाइक्स गाइज, 21 लाइक्स टू गो। कैन वी मेक इट? सिर्फ 10 मिनट है हमारे पास, सिर्फ 5 क्वेश्चन है। क्या वी कैन अचीव 100 लाइक्स का टारगेट गाइज? कम ऑन मेक इट 100 लाइक्स। गो एंड कॉल योर फ्रेंड्स। गाइज जितने भी बच्चों को अभी लेंस वाला पार्ट समझना है बहुत ही इजीली, शाम को 6 बजे क्लास में आ जाना। आई वॉन्ट ऑल 55 स्टूडेंट्स टू बी देयर एट 6 PM, ठीक है। तो कौन कौन आएगा शाम को 6 बजे गाइज? शाम को 6 बजे कौन कौन आएगा? मैम सब गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि दिव्यांशु क्लास के टाइम पे तो आपको मस्ती करनी थी, क्लास के टाइम पे तो आप कह रहे थे मैम इंटरनेट नहीं आता, ये नहीं होता, बातें करनी थी, तो अभी गलत होंगे सारे। यस हर्षित, अभी जब क्लास खत्म हो जाए दिव्यांशु उसको समझना, देखो कितने बच्चों ने गलती करी है बहुत। अभी ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रुको गाइज लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ऑन द स्क्रीन, गिव मी अ मोमेंट। गाइज देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो प्लेन मिरर है यहाँ पे। ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। डीजे स्टूडियोज तुमने मुझे बताया नहीं, केम छो? गाइज प्लेन मिरर है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इसके रखा है 0.5 मीटर की दूरी पे, 0.5 मीटर। अभी यानी कि इमेज कहाँ बनेगी? सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, 0.5 मीटर। तो इसीलिए बच्चों ने 0.5 मीटर आंसर कर दिए। बट बेटा क्वेश्चन में इमेज और मिरर का डिस्टेंस नहीं पूछा, पूछा है ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज तक का ये डिस्टेंस कितना है। सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस गाइस?
मैम हमने यही क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर नहीं किया। कब पूछा था कमलेश? बेटा मैं दिल्ली से हूँ। मैम मजा में आ तमे केम छो बेटा, इसको मी टू मतलब मैं भी मजे में हूँ को क्या बोलेंगे मुझे बता दो। वैसे मुझे बोलना चाहिए शायद मैं भी मजा माँ। मैम मजा माँ तमी केम छो आमी मजा माँ बेटा। मैम गलती से मेंटी हट गया। गलती से नहीं हटा, मैंने ये समझाने के लिए हटाया है। गाइस तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना हुआ? ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस विच इज 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, दैट मेक्स इट 1 मीटर। ओके बेटा। सोना मैम नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए पूरे 4 क्वेश्चन छूट गए। ओ एम जी राजलक्ष्मी, देखा इसलिए मैंने कहा था नेट का कनेक्टिविटी चेक किया करो क्लास से पहले। लेट्स गो बैक टू मेंटी गाइस, लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड नाउ। लीडर बोर्ड टाइम गाइस, देखते हैं बॉयज लीड कर रहे हैं या गर्ल्स लीड कर रही हैं। ओके सो अगेन बॉयज आर लीडिंग। फर्स्ट प्लेस पे वी हैव अविरल, अनुज, श्रेया, उत्कर्ष, आर्या, समीर, शबाना, रिया, कार्तिक, कुशल। कार्तिक एक नहीं बहुत सारे। मैम मेरा मेंटी गलती से हट गया, अब क्या करूं? वही सेम कोड डालो, एंटर हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी नखाटे, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैम आपने ऊपर नहीं देखा। क्या नहीं देखा कमलेश, क्या नहीं देखा? यस मैम यस। हाय भारती, सी सुपर मेमोरी, तुम मेरे स्टार्टिंग के क्लास में 2-3 महीने पहले आए थे शायद। भारती हो ना, मिशन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ऑन योर स्क्रीन्स। सो गाइज 83 लाइक्स डन, वी हैव टू मेक इट 100 लाइक्स। गो अहेड गाइज, जो भी बच्चों ने अभी ज्वाइन करा जल्दी से जाके पहले लाइक कर दो। मैम कैन वी कैन सी यू? यस आई नो बेटा, यू कैन सी मी। हाय समीर, हाय प्रवली, रमेश, एवरीबडी। मैम व्हाट इज द कोड ऑफ दिस क्लास? 3578-4017। तो जितने भी बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन करा है गाइज, मेक इट 100 लाइक्स। Go and hit the like button. Yes, guys, the correct answer is only concave mirror. ठीक है? So let's move ahead to the leaderboard now, guys. Leaderboard time, guys. Leaderboard time. Aviral का नाम है। I am not football. I am Aviral. क्या बात है Aviral? सो फर्स्ट प्लेस पे अगेन बॉयज आर लीडिंग। फातिमा यू थिंक आई एम फनी, ऑसम। सेकेंड प्लेस पे उत्कर्ष, आर्या, समीर, शबाना, कार्तिक। कार्तिक एक क्वेश्चन ही, बहुत सारे क्वेश्चन मिस करे हैं। रिया, अनुज, श्रेया, कुशल, आदित्य। गाइज गर्ल्स व्हाट आर यू डूइंग, कितना पीछे चले गए? बॉयज आर लीडिंग, बॉयज जीत जाएंगे अभी। हाँ बेटा चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज मैम आपके घर के पास में रहता हूँ। सरिता त्रिपाठी कहाँ रहते हो? चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। बालको बेटा स्पैम मत करो, एक बार में एक ही कमेंट करो। थैंक यू मैम फॉर रिमेम्बरिंग माय नेम। इट्स ओके भारती, सी सुपर मेमोरी। यस गाइज जल्दी से कर दो आंसर और लाइक्स को कर दो जल्दी से 100। आई वॉन्ट टू सी द मैजिक नंबर 100 लाइक्स। गाइज कैन वी गाइज, चेंजिंग ऑफ राइट टू लेफ्ट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। हाँ आई नो, डांस कर लेते हैं उस पर। डांस कर लो गाइज, थोड़ा सा एंजॉय कर लो क्लास में। आई कैन नॉट हेल्प इट, जो बाहर का बैकग्राउंड है आई कैन नॉट कंट्रोल इट। सो प्लीज़ सो सॉरी अबाउट इट गाइज, उस गंदे म्यूजिक पर डांस कर लो सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ऑन योर स्क्रीन्स। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, यस उससे पहले हम देख रहे हैं लीडर बोर्ड। गाइज अगेन बॉयज आर लीडिंग, बॉयज यू आर डूइंग फैबुलस एंड गर्ल्स हारने वाले हो इस बार। फर्स्ट प्लेस पे अविरल, उत्कर्ष, आर्या, समीर, कार्तिक, रिया, शबाना, श्रेया, कुशल एंड तोशी। वाओ तोशी यू आर ऑन द लीडर बोर्ड नाउ। मैम आपने सेटअप बना लीजिए, कौन सा सेटअप बना लीजिए बेटा दिव्यांशु जी? गाइज लाइक सिर्फ 83 पे स्टैगनेंट हो गए हैं, कि मुझे नहीं लगता तुम लोग 100 लाइक्स अचीव कर सकते हो आज। आई डोंट थिंक सो गाइज। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन्स। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा कोट, सुन जरा सुन क्या कहते हो मेरे सारे स्टूडेंट्स लोग। हेलो मैम, हाय सांगिका भट्टाचार्य, अभी आए हो क्लास में, 100 लाइक्स बना दो इसको, जल्दी से लाइक कर दो जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। रॉन्ग आंसर, ओ एम जी अविरल, शबाना को लगा ये इजी पीजी। कितना इजी है गाइस, स्पून के अंदर वाली साइड को क्या बोलेंगे, मैंने कितनी बार बताया था, तीनों क्लास में बताया है। यस भवनीत कौर, इट इज कॉनकेव, मिसक्लिक हुआ, जिसका भी मिसक्लिक होता है ना वो बाद में झूठ बोलता है कि मिसक्लिक हुआ है। लायो लायो पैंट्स ऑन फायर, यस गाइस, सो गाइस करेक्ट आंसर इज कॉनकेव। गाइस स्पून का जो अंदर वाला साइड है, यानी कि रिफ्लेक्शन अंदर वाले साइड से हो रहा है, देन इट इज नोन एज कॉनकेव। अगर बाहर वाली साइड होता है तो इसका उल्टा, ठीक है ना। हाय राजन, मैम मैंने तो क्वेश्चन आते ही बोल दिया मिसक्लिक। फर्स्ट प्लेस पे है उत्कर्ष, आर्या, समी, अविरल, कार्तिक, रिया, शबाना, कुशल, श्रेया एंड तोशी। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बी केयरफुल गर्ल्स एंड बॉयज। यस गाइस, जो फास्टेस्ट आंसर करेगा। हाय संतोष, हाय अनिश, गाइस जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया लाइक कर दो सेशन को, गो अहेड हिट द लाइक बटन बेटा। यस ओके बेटा, इज दैट सो, लेट्स होप फॉर 84 लाइक्स हो गए गाइस, दैट इज अ गुड नंबर, गुड गुड 84 लाइक्स। सो गाइस बाहर वाले साइड को कॉनवेक्स कहेंगे जब अंदर वाले साइड को कॉनकेव कह रहे हैं, सो इजी। हाय जोया, सो गाइस डू यू वांट टू सी बॉयज जीते हैं या गर्ल्स, दिखा दूं गाइस, आर वी एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट, किस किस को रिजल्ट देखना है, कौन जीतने वाला है, या एक काम करते हैं गाइस आज रहने देते हैं रिजल्ट्स। मैम 84 लाइक्स हो गए, क्या बात है, ऑसम। सो गाइस मैम आई एम सो बैड इन दिस चैप्टर, कोई बात नहीं काबिला श्री, अभी दो पार्ट्स और है इस चैप्टर के, जब तक आप लोगों को 100% नहीं आ जाता आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। जब तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं हो जाएगा चैप्टर, तब तक वी आर नॉट गोइंग टू टेक अनदर चैप्टर, नो वरीज गाइज। जिसको भी नहीं आया शाम को 6 बजे वाली क्लास में जल्दी से आ जाना मैम। यस जोया, यस जोया आई रिमेम्बर यू, 90 लाइक्स हो गए, अच्छा क्या बात है बेटा, 90 लाइक्स नॉट बैड गाइस, डू यू थिंक वी कैन मेक इट 100 लाइक्स, अभी भी 100 बन जाएंगे बेटा। गाइस किस किस को रिजल्ट देखना है, गाइस रहने देते हैं आज रिजल्ट, व्हाट डू यू थिंक, रहने दें मैम, डू स्वैग, लो बेटा स्वैग। गाइस किसको देखना है लीडर बोर्ड, कौन कह रहा था, रिजल्ट होवे ना गाइस, रिजल्ट होवे ना मैम, शो द लीडर बोर्ड। अच्छा 100 लाइक्स तो करे नहीं आप लोगों ने, रिजल्ट कैसे दिखाऊं, देखो 91 डिसलाइक्स है, कौन है ये डिसलाइक्स वाले बच्चे जिन्हें क्लास अच्छी नहीं लगी, अगर ये लोग लाइक कर दें तो 100 लाइक्स हो जाएंगे। गाइस दिखाऊं लीडर बोर्ड या नहीं, यस चलो दिखा देते हैं, जब सब लोग इतना प्लीज कर रहे हो ना तो दिखा ही देती हूँ। मैम 6:30 पर क्लास कर लोगे, नहीं बेटा 6 बजे इज फिक्स टाइम, शार्प 100 शार्प 6 PM आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी गाइज, शार्प 6 PM आई वॉन्ट टू सी ऑल 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो गाइज अभी सब प्लीज कर रहे हो तो दिखाई देते हैं लीडर बोर्ड, लेट्स चेक इट आउट, गर्ल्स जीतती हैं या बॉयज। गाइज आई वॉज जस्ट किडिंग, अगर लाइक्स नहीं भी होते देन ऑल्सो आई विल शो द लीडर बोर्ड, इट्स ओके गाइज आई वॉज जस्ट किडिंग। यस गाइज द विनर इज उत्कर्ष, ऑसम बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड सो बॉयज टीम इज द विनर, सो अभी बॉयज टीम को मिलने वाला है मेडल। सेकेंड प्लेस पे है आर्या यादव एंड थर्ड प्लेस पे है मोहम्मद समीर। सो एज प्रोमिस्ड आई विल राइट द नेम ऑफ द विनर ऑन आवर स्क्रीन। ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टूडेज क्लास, द विनर इज उत्कर्ष।
उत्कर्ष इज विनर एंड द विनिंग टीम इज बॉयज टीम। सो गाइस ये मेडल जाता है बॉयज टीम के लिए। गर्ल्स अभी आज आप हार गए बट डोंट लूज होप। शाम वाले टाइम में 6 PM वाले मेंटी में गर्ल्स ट्राई करना आप लोग जीत पाओ, ठीक है। सो गाइस वी कैन हैव वन मोर मेंटी एट 6 PM वाला क्लास। सो दिस मेडल बिलोंग्स टू बॉयज टीम नाउ। ग्रेट गाइस दिस इज फॉर बॉयज टीम। सो गाइस नकली दिल बॉयज टीम के लिए एंड नकली दिल फॉर द विनर उत्कर्ष। ग्रेट गाइज यू डिड फैबुलस एंड गाइज वी हैव अचीव्ड 92 लाइक्स एंड दिस इज प्रिटी गुड। Awesome guys, congratulations to everybody and I really hope guys आप लोगों को आज का session अच्छा लगा। Very good everybody, very good जितने भी बच्चों ने participate किया, awesome, so cool. So guys we are going to meet today at 6 PM sharp. So be there. एक और mentee करेंगे boys versus girls. ठीक है guys, have a nice day. Bye guys.